हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैंने नदीम इकबाल। दोस्तों, आज हम करने वाले आज हम सीखने वाले हैं कि आज हम क्योंकि पहली वीडियो पर मैं हमने फाइल स्टोरेज के ऊपर वीडियो बनाई थी, फाइल स्टोरेज फ्यूचर कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, फाइल स्टोरेज हम पर्पज़ क्या होता है कि फाइल स्टोरेज हम इंस्टॉल करते हैं वो हम स्टोरेज फाइल स्टोरेज है, ये स्टोरेज को सेंट्रलाइज करता है। सेंट्रलाइज मतलब कि iSCSi, मतलब कि जो हमारी ये IPSN जो है और शेयर फाइल्स, ये स्नैस की प्रोटोकॉल है, ये दोनों को ये सेंट्रलाइज करता है। जो हमारे वैल्यूम डिस्क स्टोरेज पूल सबको ही सेंट्रलाइज करता है। दोस्तों, आज हम करने वाले स्टोरेज iSCSi से हम कैसे टारगेट लन देते हैं, सोर्स लन से कैसे टारगेट लन देते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि लन कैसे टारगेट देते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जाना है टास्क पे। तो यहाँ पूछा न्यू iSCSi वर्चुअल डिस्क। जो दोस्तों, जो यहाँ पे जो हमारे स्टोरेज में जो हमारे डेस्कटॉप पर लैपटॉप पे जो डिस्क होती है वो होती है फिजिकल डिस्क। अगर दोस्तों इससे हम किसी दूसरे टारगेट देते हैं, किसी को दूसरे लैपटॉप या डेस्कटॉप को स्पेस देते हैं, तो उसको बन जाता है वर्चुअल, क्योंकि वर्चुअल इससे बन जाता है कि दिखता वहाँ पर लेकिन जो डाटा है वो यहाँ पर लिखता है। तो अगर हम बनाते हैं न्यू टारगेट, क्लिक करना है तो उसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे अच्छी तरह दिखा हमें। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको कहाँ से, क्योंकि मेरे पास एक ही ड्राइव है, सी ड्राइव। तो उसमें दोस्तों फिलहाल हमारे पास है फ्री स्पेस है 210 GB। तो दोस्तों, हमें इसी क्लिक करके हमें नेक्स्ट पर जाना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि iSCSi वर्चुअल डिस्क नेम नेम क्या है, क्योंकि हमें टेस्ट करना है। तो इसे लन लेकर हम नाम देकर आगे बढ़ लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको स्पेस iSCSi वर्चुअल डिस्क कितना डिस्क स्पेस लेना है। तो हम यहाँ पे फिलहाल टेस्ट के लिए 50 GB ले लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पूछा फिक्स साइज, तो यहाँ पे डायनेमिक एक्सपेंडिंग, अगर हमें फिक्स ले लें तो 50 GB रहेगा, नोट है। अगर हम बढ़ाना चाहें तो वर्चुअल डिस्क को वो बढ़ेगी नहीं, तो इसलिए हमें यहाँ पर फिक्स नहीं करना है, क्योंकि डायनेमिक एक्सपेंडिंग करना है। अगर डायनेमिक हम यूज करेंगे तो ये हमें अगर हमें डाटा लिख रहा है 50% फुल डिस्क हो गई तो वो हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इसे हमें फिर डायनेमिक एक्सपेंडिंग क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे एग्जिटिंग जो iSCSi टारगेट हमारे पहले हो रखे थे उसे हम क्लिक नहीं करना है, क्योंकि हमारे पहले ही हो चुके हैं लन ये टारगेट। तो हमें न्यू टारगेट चाहिए, क्योंकि हमें न्यू टारगेट बनाने के लिए हमें न्यू iSCSi टारगेट क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ डिस्क में पूछ रहा है कि आपको उसे नाम क्या देना चाहते हो। तो दोस्तों, हमें यहाँ पहले लिख देता हूँ टेस्ट लंस। तो इसे हम क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे पूछा था स्पेस टारगेट नेम कंटेन योर मोर कैरेक्टर्स डेट आर नॉट वैलिड टू नॉट टारगेट नेम विद द कन्वर्ट टेस्ट लाइन। दोस्तों, यहाँ पे हमें हटा देना है, क्योंकि इसने मान नहीं बना कर दिया है। तो टेस्ट खाली छोड़ के टेस्ट कर देते हैं। और टारगेट ऑलरेडी यूज यूज हो चुका है, तो ऐसे करते हैं टेस्टिंग लग कर देते हैं, टेस्टिंग कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर आ चुका है एक्सेस सर्वर। दोस्तों, ये एक्सेस सर्वर के लिए हमें यहाँ पे ऐड करके जो हम हमको जो लन देने हैं किसको देंगे, किस उसका IP क्या है दोस्तों, उसके एक्सेस जो कंप्यूटर यूजर नेम क्या है, उसका क्या नाम है, तो हम यहाँ पर ऐड करके ये विंडो आ जाएगी सामने। यहाँ पर दोस्तों पूछा सेलेक्ट मेथड आइडेंटिफाई, तो इनिशिएटर जो वहाँ पर जाके हमें किसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या हम डालें वहाँ पे जो वहाँ पर हमारा लन दिख जाए। तो दोस्तों, हमें सिंपल है, क्योंकि हमारे पास जो नोड है, ये जो हमारे पास जो डेस्कटॉप है, सर लैपटॉप है, तो उसमें आप यहाँ पे क्लिक करके उसके IP डाल देंगे। सिंपल दोस्तों, IP डाल के जो हमारा IP दोस्तों हमारे पास IP है, ये वाला IP है 0.10। दोस्तों, ये हमारे जो नोड, ये मेरी डेस्कटॉप हार्डवेयर की IP है, होस्ट की IP। तो दोस्तों, इसमें ओके करके आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों, ये मुझे IP दिख गया यहाँ पे। तो ये IP, ये हमारी टारगेट की IP है, जो हमें टारगेट जो हम दे रहे हैं, जिसको सोर्स लाइन से टारगेट दे रहे हैं। तो नेक्स्ट, इसे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों, तो ये है इनेबल ऑथेंटिकेशन सर्विसेज। तो दोस्तों, इसे हम नहीं करना है, इसमें हमको चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि ये पहले से हो रखी थी। इसमें अगर आप चाहते हो कुछ भी कर सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो, यूजर जो हम करना चाहते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों, ये इसे छोड़ के नहीं करना है, इसे नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है, सर्वर IP सेन है, क्लस्टर नोड है, क्लस्टर नोड क्लस्टर्ड, एंड दोस्तों इसका नाम है टेस्ट लन।
साइज 50 GB है, टेस्टिंग है जो हमारा टारगेट प्रॉपर्टीज है, एक्सेस सर्विस जो सर्वर है जो हमारा वहाँ पे है, जो हमारा टारगेट लाइन है उसका IP है, सपोर्ट हमें डिसेबल्ड क्योंकि अनेबल से हमें, तो वहाँ पे यूजर ने पासवर्ड डालना उससे दिक्कत हो जाती है दोस्तों, तो क्रिएट कर देते हैं दोस्तों इसको, ये हमारे जो लाइन क्रिएट हो रहा है अभी। तो दोस्तों यहाँ से हमारा लाइन क्रिएट हो चुका है, कम्प्लीटेड हो चुका है, क्रिएट आइस की वर्चुअल डिस्क, क्रिएट आइस की टारगेट सेट, टारगेट एक्सिस एज आई वर्चुअल डिस्क टारगेट टारगेट हो चुका है दोस्तों, तो इसके बाद हमें क्लोज कर देना है। तो दोस्तों ये हमारा ये टेस्टिंग लाइन आपको दिखाया था जो 50 GB का, ये लाइन टारगेट हो चुका है दोस्तों, ये अभी यहाँ से टारगेट या सोर्स लाइन से गया है जो हमारा फिजिकल सर स्टोरेज है। तो दोस्तों हम इसके बाद यहाँ जो हमें लाइन दिखना है कि लाइन कहाँ पर गया है, तो हम टारगेट जाके अपना हार्डवेयर जो हमारा जो लैपटॉप है डेस्कटॉप है उस पर जाके हमें वो सेंड करना है। तो दोस्तों जो है ये हमारा जो, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ये हमारा हार्डवेयर है जिस पर हमें लन दिखाना है। दोस्तों मैंने 50 GB जो लन दिया था वो कहाँ पे जाने करना है, क्योंकि मुझे iSCSi इनिशिएटर पे जाके हमें ये लन स्कैन करना है। तो दोस्तों हमें पहले तो हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा सर्वर मैनेजर जाके, और ये दोस्तों टूल पे जाके हमें iSCSi इनिशिएटर, तो दोस्तों ये हमारी ये रहा iSCSi इनिशिएटर, तो इसे जाके हमें क्लिक करके हमें वहाँ पे जो हमारे जो टारगेट जो सोर्स लाइन की IP थी वो हमें सेलेक्ट करनी, जो मेरी IP जो सोर्स लाइन जिससे हमने लाइन दिया था, तो दोस्तों उसकी IP हमारी 100 थी, 100 थी दोस्तों, दिखाता हूं आपको IP क्या थी उसकी, 100 IP थी दोस्तों। यहाँ पर जाकर हम उसकी IP चेक कर सकते हैं CMD कमांड पर चेक करके उसका IP कॉन्फिग कैसे कर सकते हैं, IP कॉन्फिग दोस्तों, यह इसकी IP आ गई 100 दोस्तों, जो हमारी वहाँ उसकी IP थी 192.168.0.10, इसको हम एक बार पिंग लेके देखते हैं, यानी दोस्तों उसका पिंग आ गया है, क्योंकि इससे एक ही नेटवर्क होना चाहिए जो हम जिस लन को जिसको हम टारगेट लन देंगे वो दोनों सोर्स लन और टारगेट लन एक ही नेटवर्क पर होना चाहिए, अगर अदर नेटवर्क से होगा तो वो दोनों लन आपस में दोनों हार्डवेयर आपस में जो होस्ट है आपस में बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यह स्टोरेज है जो 100 IP स्टोरेज IP है दोस्तों, हमें वहाँ पे स्कैन करनी है, तो दोस्तों यहाँ पे 100 IP हमें स्कैन करनी होगी। तो दोस्तों एक बार इसका भी IP चेक कर लेते हैं IP क्या है, तो CMD करके हम इसका IP चेक करेंगे, तो पिंग IP चेक करते हैं IP कॉन्फिग, तो दोस्तों इसके IP 10 IP इसकी जो हमारी टारगेट IP है जो हमें जहाँ पे हमें वर्चुअल डिस्क देनी है। दोस्तों एक बार पिंग लगा देख लेते हैं जो उसकी हार्ड जो हमारी स्टोरेज की IP है, ये दोस्तों ये हमारी स्टोरेज की IP है जो हमें यहाँ पे जैसे हमने लन दिया था टारगेट लन, देखना है गरीब प्रमोटेड गया था तो शुरू हो चुका है, तो शेपिंग आ गया है यहाँ पे थोड़ा इशू हो जाता है हार्डवेयर में, तो शेपिंग आ गया है अपन बातचीत कर रहे हैं ये क्योंकि एक ही नेटवर्क पे है। तो दोस्तों यहाँ से हम उसको क्लिक कर देंगे क्योंकि नेटवर्क हमारा एक नेटवर्क पे, तो हमारा लन दिख जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा लन दिख गया, ये देखो यहाँ पे 50 GB का जो हमें दिया था टेस्ट लन, ठीक है दोस्तों, इसे हमें कनेक्ट करके डन करके छोड़ देना है। दोस्तों अब हम यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ से मैंने इसे iSCSi स्कैन कर लिया है, तो दोस्तों हम जाके वहाँ पे सर्वर मैनेजर पे हमें जाना है कंप्यूटर मैनेजमेंट पे जाके, क्योंकि हमारे लिए जो दिखता है हम जहाँ पार्टीशन बनाते हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट पे बनाते हैं, कंप्यूटर मैनेजमेंट जाके हमें एक बार स्कैन कर लेते हैं इसको, हम जाके यहाँ पर डिस्क मैनेजर में जाके हम अपना लन देख लेते हैं 50 GB आया नहीं आया, दोस्तों नहीं आया यहाँ पे क्योंकि अभी हमने स्कैन नहीं किया है, तो एक बार स्कैन डिस्क लेते हैं, तो दोस्तों जो हमारा लन था क्यों नहीं दिखा था, क्योंकि लन हमारे यहाँ पे हमें वो टेस्टिंग लन था ना दोस्तों, टेस्टिंग लन था तो हमें यहाँ पे कनेक्ट करना होता है, अगर इनकनेक्टिव होगा तो वो लन नहीं दिखेगा, वो हमें
कंप्यूटर में नहीं दिखेगा, तो टेस्टिंग लाइन जाके हमें कनेक्ट करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे वो लन 50 GB जो लन दिया था हमें, ये दिख गया यहाँ पे 50 GB का जो लन था यहाँ पे दिख गया है नोड। ये हमारे 10 IP है, हमारे जो टारगेट IP। तो यहाँ पे जाके हम एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा नंबर था। तो ये हमारा जो 50 GB दे दिखा दोस्तों, ये टेस्टिंग लन था और 10 पे टारगेट दिया था हमने सोर्स लन से। तो एक बार हम दोबारा जाकर वहाँ पर इसका पार्ट बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन करके इसको हम ऐसे इंटरलाइज करके हमें इसका पार्ट बना देंगे। दोस्तों ये अनलॉक्ड हो गई, इसको हम पार्ट्स बना सकते हैं। यहाँ पे न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब इसको हम जो बनाना है हमें एसाइन फुल होम, इसमें जो कुछ बनाना है या नाम दे सकते हैं यहाँ पे हल्का। तो यहाँ पर एंटी FSI प्रोटोकॉल है फायर सिस्टम की, हम एंटी FSI यूज करनी है आपको इस IFS, तो हम एंटी FSI जो हम करते हैं इसे यूज करनी चाहिए। तो हमारी यह डिस्क बन गई है 50 GB। तो दोस्तों अब ये हमें क्या सीखा कि हमने टारगेट एक स्टोरेज से, फाइल स्टोरेज से हम लन कैसे क्रिएट करते हैं, फिजिकल डिस्क से हम वर्चुअल डिस्क कैसे बनाते हैं। दूसरे जो हमें लन कम पड़ रहा है हमारे जिसके बाहर टेबल पास या यूजर के पास स्पेस कम कमी आ रही है, तो उसका हम लन दे सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग हुई डिस्क दोस्तों, तो ये हमारी डिस्क वहाँ पर डेस्कटॉप पर दिख जाएगी हमें वहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी डिस्क दिख जाएगी। तो हमारे 50 GB की थी ना, तो दोस्तों यही 50 GB के अभी वहाँ पर फॉर्मेटिंग चल रहा है थोड़ी सी, ये अभी हो जाएगा। तो अगर हमारे पास क्लस्टर बनाना है तो क्लस्टर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। दोस्तों क्लस्टर डिस्क कैसे बनाते हैं, कैसे हम क्लस्टर बनाते हैं, फेलो क्लस्टर कैसे बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का कैसे हम फेलो क्लस्टर करते हैं, कैसे हम डाउन करते हैं, कैसे हमारी सर्विस चलती है। दोस्तों ये एक बहुत सिंपल तरीका है कि वीडियो बनाने का, तो देखते हैं लेकिन दोस्तों उसका पर्पज़ क्या होता है बनाने का, कैसे हम टारगेट देते हैं, क्या हम इसमें यूज करते हैं। तो दोस्तों ये मतलब कि अभी दोस्तों फॉर्मेटिंग हो रही है, दोस्तों टाइम लगेगा। तो फॉर्मेटिंग होने के बाद ये डिस्क वहाँ पर दिख जाएगी। दोस्तों देखो ये हम जो यहाँ दिखा रहे थे कंप्यूटर में जाके हमें फॉर्मेटिंग दिखा रहा था, तो हम वहाँ पे जाके फॉर्मेट करनी होगी, यहाँ फॉर्मेट करनी होगी। ओके यू है यू डोंट नो करके कर देना। दोस्तों यहाँ पे हमें ये फॉर्मेट होने के बाद डिस्क यहाँ पर आ गई है, तो डिस्क बाद हमें यहाँ पे फॉर्मेट करके इसको कर देंगे। स्लो होता है क्योंकि डिस्क वहाँ आ जाए तो स्लो होता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों फॉर्मेट करके हमें 50 GB को फॉर्मेट कर देंगे, डिस्क बन जाएगी दोस्तों। ओके वहाँ नहीं दिखाता है क्योंकि यहाँ पर ओल्ड डाटा डिस्क है ना, तो ओके करके हम इसे फॉर्मेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हमारी डिस्क यहाँ पे दिख जाएगी ऐसी जैसी डिस्क थी एज इट इज़। दोस्तों हर चीज़ का पर्पज़ होता है कि हमें क्या बनाना होता है, कैसे करना होता है। तो आपने मतलब कि जहाँ हम आईएससी टारगेट कैसे दिया, तो हमें लन कैसे दिए, तो एक हमारे पास एक होस्ट हो गया, उसके बाद वो हो गया होस्ट होना चाहिए, एक हमारे स्टोरेज होना चाहिए, हमें पहले एक सर्विस चलनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सर्विस चलनी चाहिए कि क्या सर्विस चल रही है। तो दोस्तों ठीक है, ओके थैंक यू, गुड बाय, कीप सपोर्टिंग दोस्तों। आगे से जो अगर वीडियो सुनना है तो हम मुझे प्लीज़ से कमेंट बताएं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।